नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती की मौत की वारदात से पूरे देश में गुस्सा है। इंसाफ की लड़ाई अब सियासी रूप लेने के बाद अब दंगों की साजिश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराने के लिए हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात ही एक वेबसाइट बनाई गई थी। दंगे की इस वेबसाइट के जानकार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ रहे हैं। इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग भी मिली है। इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ अहम और चौंकाने वाले सुराग लगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है। एडी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि पोस्टरों, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व बेजा लाभ और कुलसित उद्देश्य से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने व जातीय विद्वेष फैलाने आदि के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयानबाजी करने के लिए दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपये का प्रलोभन देने आदि के संबंध में वायरल ऑडियो फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित करने के संबंध में है। दूसरा अभियोग थाना चंदपा पे ही जनपद हाथरस के मुकदमा अपराध संख्या 152/2000, ये वहाँ जो अधिकारी हैं उनके साथ जो ड्यूटी पर थे उनके साथ मारपीट करने तथा बैरिकेडिंग इत्यादि तोड़ने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए है। उसी प्रकार से उन्हीं धाराओं में एक अन्य मुकदमा दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 153/2020 है। बुलंदशहर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ कमिश्नरेट में कुल 19 FIR दर्ज हुए हैं। लखनऊ में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत तस्वीरें पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश और फंडिंग की जा रही है। दुनिया के कई प्रोटेस्ट के लिए उपयोग किए जाते रहे CAARD नामक प्लेटफॉर्म पर यह लैंडिंग पेज बनाया गया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। इसके पीछे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में जिन संगठनों PFI और SDPI का हाथ होने के आरोप लगे थे, इस वेबसाइट के पीछे भी इन्हीं संगठनों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या खुलासा होता है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।